अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे जर्मन के जू के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करना। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो उसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। सो आप देख रहे हैं, ये अभी लोगों ने ये चलाई हुई है एक छोटी सी कश्ती, बोट टाइप है। ये आपको पूरा इसके अंदर का टूर देती है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये देख लें आप, पूरे का पूरा मंजर आप देख लें आराम से। Are you finished? You need another hour. Sorry? You finished or do you? Willkommen. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die Zeit, die vor über 13 Milliarden Jahren beginnt. Ui, Terminal khul gayi. Zuerst ist nichts. फ्रूट ही कोई उन्होंने अभी स्टार्ट किया। अब लोग हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये सारे चिंपैंजी वगैरह हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे खुला एरिया है सारा, ये सामने जगह खाली है अभी, यहाँ पे तो कोई कुछ भी नहीं है। लगता है डोर्स वगैरह उन लोगों ने बंद किए हुए हैं, बाकी सारे चिंपैंजी ऊपर हैं, ऊपर से बंद हुआ हुआ है। ये इनका अंदर का एरिया है, तो बाहर उन्होंने खाना डाला है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये सामने बंगाल टाइगर हैं, पर थोड़ी गर्मी की वजह से ये बैठे हुए हैं छाँव के अंदर। अभी इन टाइगर्स की हालत वो हुई है जब बांग्लादेश वर्ल्ड कप से जैसे बाहर हुआ था ना। डोंट टेक इट सीरियस गाइस, टाइगर पाकिस्तान मेरा बाहर हो गया था। फनी है। सबका रिकॉर्ड लगाएंगे, टेंशन ना लो। कॉपीराइट का ना आ जाए ना इशू, यूट्यूब वाले भेज पर्सनल अटैक। सो गाइस, इस वक्त हम लोग ये इस ब्रिज से गुजरने लगे हैं। ये थोड़ा इसको आप बोल रहे हैं सस्पेंस। बच्ची जा रही है आगे फैसला, उसको डरा मत। नहीं जरूर, इतना भारी डर लगता है। हाँ ना, मुझे खुद डर लगता है। ट्रेन में नहीं, तुझे तेरे तूने मेरे को पकड़ा था, याद है तेरे को? याद आ गया बिल्कुल। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो दुनिया के खास जानवरों में से एक जानवर की वीडियो दिखा रहे हैं, आपके बहुत सी बहुत कम ताद। ये जो ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने मिडल में, कितना ज़बरदस्त शानदार है। फैसल भाई वहाँ पे खड़े एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह के ब्रिज इन्होंने उधर भी बनाए साइड पे, वो आगे भी देख रहे हैं आप, और इस साइड पे देख लें कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है। कमाल कमाल का अंत है भाई। हमारे जरून भाई अभी हमने फ्रेश फ्रेश तोड़े हैं ये, पता नहीं कौन सा है, अगर मर गए तो अल्लाह ना करे, लेकिन हमें ये पता है कि ये हाइजेनिक है। कल लिखा हुआ नहीं था उन्होंने? हाँ। वहीं रह जानू, मैं बताता हूँ कि ये ब्रिज कितना लंबा है। आप इसकी लोकेशन चेक करें कि कितना खूबसूरत और कितने तरीके से इसको नफीस तरीके से इन्होंने सारा मैनेज किया हुआ है। ओके, इसकी कटिंग की हुई है। ये बड़ी मादा है यहाँ, ये छोटे वाले नर होते हैं ना? नहीं, वो भी मादा बच्चा है इसका? वो बच्चा है, ये अभी दोबारा शौंगा है। अच्छा,
देख रहा है इसका, इसलिए उसको कुछ नहीं बोल रहा। वो उसकी बच्ची है, वो अभी छोटी है। अच्छा, मेरी कोको भी आ गई। तो कुत्ते की नस्ल नहीं है ये, अलग ही चीज है कुछ। ये पता नहीं कुत्तों का, ये देखने को मिक्सर बना हुआ, स्मेल आ रही है पर इसको समझ नहीं आ रही चीज पड़ी किधर। ये तो भी समझ गया, क्या बात है। मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव है अभी और बहुत रेयर है। रेयर है ना, वो दे रहे हैं इसी वजह से भाई, ये कहीं पाए नहीं जाते। अच्छा, तो जहाँ पर भी होता है तो मतलब वाइल्ड लाइफ वाले इसके बाकायदा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी प्रोटेक्शन है। सो गाइस, इस वक्त हम आ चुके हैं अंडरग्राउंड जंगल में। ये एक अमेजोन टाइप का उन्होंने बनाया हुआ है, एक अमेजोन की शेप में है जो बिल्कुल बंद है, जिसका टेम्परेचर, नमी वगैरह हर चीज़ को इन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। और अच्छा, यहाँ पे सारे परिंदे जितने हैं वो सारे फ्रीली मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये बात। अब ये देख सकते हैं इस साइड पे भी काफ़ी अच्छा प्यारी जगह बनाई हुई है। सो अभी आगे जाके आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से इन्होंने इन चीज़ों को सारों को मैनेज किया हुआ। पूरे का पूरा मंजर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है वो बंदर भी घूम रहे हैं, यहाँ पे खुले हैं, आप उनको बगैर टच भी कर सकते हैं। वो देख, अच्छा वो देख, आगे से देख लेना, कटनी हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर। अच्छा, ये इधर है, ये मेरे ख्याल से केले का फूल है। केले, केला इस तरह का होता है फैसल भाई? वो देखे ना, ये असल में थोड़ा सा मुरझाया भाई, बेचारा मेरी तरह का। अच्छा, तो इस वजह से केले का फूल है। अच्छा अच्छा, ये आप, अच्छा ये जो यहाँ पे स्पीस, ये इन्होंने डिटेल्स वगैरह दी हुई है यहाँ पे, आप देख रहे हैं, बट ये है जर्मन लैंग्वेज में, आप इतनी आसानी से इसको पढ़ नहीं सकेंगे, इसके लिए माजरत। वो देखिए वो कहाँ लेटा हुआ है, और वो लंगूर जिसको कहते हैं। हाँ, ये लंगूर और अंगूर वाला सिस्टम है। बिल्कुल भी दिख रहा नहीं है लेकिन वो लेटा हुआ है, और ये अगर आप इसको भी फोकस करें, ये जिसके अक्सर हम जो तेल बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। अच्छा, ये क्या है? ये इसको पाम कहते हैं। अच्छा, पाम ऑयल वगैरह जिसको हम कहते हैं, ये मेरे ख्याल से ये वो है। अच्छा, वैरायटी के वो लगे हैं। अच्छा, ये वो चीज है। हाँ, और ये लंगूर हो रहा है। चले, वीडियो पा रही है फैसल। अच्छा, उस पर थोड़ा सा तबसरा करो वीडियो के ऊपर। मैं ये कह रहा था कि ये जो है अभी आप लोग आगे जो जाएंगे उसमें अफ्रीका का एक व्यू दिया हुआ। अच्छा, और बाकी इसके अलावा इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जो लगाए हुए हैं, ये जो पेड़ पीछे नजर आ रहे हैं, ये सही है असल है? ये क्या है, यहाँ किस तरह है? वो जो बड़े वाले हैं ये आधे के ऊपर इतना तने लगा है। अच्छा, मगर ये जो जितनी बाकी जो आपको दिखने आ रहे हैं, अच्छा सब ओरिजिनल, ये सारे ओरिजिनल हैं। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इसका सिस्टम चल रहा है यहाँ पिक्चर पे करते हैं। फैसल भाई, इस जगह के बारे में थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को। यार, मैं जगह के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने एक अमेजोन का जैसे जंगल है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, तो ये इन्होंने उसका बिल्कुल एक व्यू बनाया हुआ सारा। अच्छा, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पानी का शावर आ रहा है। अच्छा, हल्की हल्की सी फुहार पानी की दी हुई है, और ऊपर जो इन्होंने ये जो छत इसकी सील की हुई है। अच्छा, इस तरीके से की हुई है कि सूरज की सारी तानाई वगैरह सब कुछ यहाँ पर आती है। अच्छा, इसका सारा, लेकिन ये सारा। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पूरा देखें, और बाकी चैनल की जो वीडियोस हैं वो भी देखें। इसमें इंशाल्लाह आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ का जर्मन का जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में, जर्मन के लॉज के बारे में, वीज़ाज के बारे में, एवरीथिंग। तो जाएं जाके वीडियो की बाकी देखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।